अब क्वेश्चन नंबर एट में हमको चार क्वेश्चन सॉल्व करना है पाँच में से फोर्टी से फिफ्टी वर्ड्स का लिमिट है इसमें और इसमें टोटल फोर इंटू थ्री ट्वेल्व मार्क्स हमको मिलेगा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई द ओपिनियन दे द ट्रेडिशनल बेकर एंड हिज ब्रेड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कल्चर एंड द सोशल फेब्रिक ऑफ गोवन सोसाइटी ग्लिम्स ऑफ इंडिया फर्स्ट से लिया गया है इसमें हमको इस ओपिनियन को जस्टिफाई करना है कि जो परंपरागत बेकर हैं और उनके जो ब्रेड हैं वो जो गोवा का समाज है वहाँ के जो सोशल फैब्रिक और कल्चर हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है देखिए बिल्कुल सही है क्योंकि जब पुर्तगीज लोग गए थे तो उनके जाने के बाद भी जो उनका ब्रेड जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो आज भी गोवन सोसाइटी का एक इंटरगल पार्ट है और वहाँ पे जो पुराने फर्नेसेस हैं जो कि काफ़ी समय से चल रहे हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं और जो बेकरस का ब्रेड है वो फूड आइटम नहीं है बल्कि गोवन कल्चर का और क्यूजिन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये जो है ना वहाँ पे एक इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस भी है जो वहाँ के ट्रेडिशनल बेकर हैं और उनके जो ब्रेड हैं वहाँ के लोकल कॉमर्स और इकोनॉमी में एक वाइटर रोल अदा करते हैं क्योंकि ये घर घर जाते हैं और हर घर में ब्रेड पहुँचाते हैं जिससे लोकल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड बढ़ता है वहाँ पे ब्रेड मेकिंग का ट्रेडिशन है जो कि जनरेशन से जनरेशन आते जा रहा है और जो फैमिली प्रोफेशन है वो आज भी उसी प्रकार से चल रहा है ये जो वेकर्स हैं उनके जो फर्नेसेस हैं वो एक लिविंग कनेक्शन है गोवा कल्चर और कलररी हेरिटेज का जो कि आज भी लोकल कम्युनिटी के द्वारा चेरिस किए जाते हैं और सेलिब्रेट किए जाते हैं अब देखिए वर्ल्ड लिमिट में इस कैंसर को हम लोग कैसे लिखें द ट्रेडिशनल बेकर एंड हीज ब्रेड आर इंटेगल टू गोवन सोसाइटीज कल्चरल एंड सोशल फेब्रिक ब्रेड इज अ स्टेपल इन लोकल क्यूजिन एंड इज कंज्यूम्ड बाई पीपल ऑफ ऑल एज एज फेस एंड सोशल ग्रुप्स इट इज़ नॉट जस्ट अ फूड आइटम बट ऑल्सो अ सिंबोल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस इन गोवन कल्चर क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हाउ डज लेसलिन ऑरीज यूज विबिड इमेजनरी एंड अ मेटोफोरिकल लैंग्वेज इन अ टाइगर इन द जू To effectively depict the confinement and oppression experienced by the captive tiger, तो देखिए जो captive tiger है उसके ऊपर जो confinement और oppression का प्रभाव है उसको अच्छे से दिखाने के लिए जो पोएम है अ टाइगर इन द जू में उसके जो पोएट हैं लेसलिन और वो किस प्रकार के विविड इमेजनरी और मेटाफोरिकल लैंग्वेज का यूज करते हैं तो देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस का यूज करते हैं जिससे जो कन्फाइनमेंट है उसको अच्छे से बता सकें जैसे कि विविड स्ट्रिप्स पेट्स ऑफ अ विविलेट क्वाइट और अगर हम देखें तो क्वाइट रेज इग्नोरिंग विजिटर्स स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस ही हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हीज विलियन आइस एट द बिलियन स्टार्स तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं जो वर्ड्स हैं उसको यूज करके जो कन्फाइनमेंट है और जो ऑपरेशन फील कर रहा है कैप्टिव टाइगर उसको यहाँ पे जो पोयम है टाइगर इन द जू में यूज करते हैं अब देखिए इस एंसर को हम लोग फोर्टी वर्ड्स के लिमिट में कैसे लिखें लेसलिन नॉरिस इज यूजेज विविड इविजरी एंड मेटाफोरिकल लैंग्वेज इन टाइगर इन द जू डिफेक्टिवली डिपिक्ट द कन्फाइनमेंट एंड ऑपरेशन एक्सपीरियंसड बाई द कैप्टिव टाइगर द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक विविड स्ट्राइप्स एंड द ऑफ ओविलेट क्वाइट हाईलाइट्स द टाइगर फिजिकल ब्यूटी एंड ग्रेस वाइल आल्सो एक्सप्लोरिंग द साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट ऑफ कैप्टिविटी। तो देखिए जो टाइगर इन द जीव पोयम है इसमें वो बहुत सारे विविड इमेजरी और मेटाफोरिकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिससे काफ़ी अच्छे से जो कन्फाइनमेंट है और जो ऑपरेशन है जो कि कैप्टिव टाइगर एक्सपीरियंस कर रहा है उसको बता सकें उन्होंने वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे विविड स्ट्राइव्स और पेड्स ऑफ वेबलेट क्वाइट ताकि वो हाईलाइट कर सकें कि जो टाइगर का फिजिकल ब्यूटी है और जो शान है वो कैसा है साथ ही साथ कैप्टिविटी के कारण उसके शान पे उसके जो फिजिकल ब्यूटी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है टाइगर को वो यहाँ पे बता सकें क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए एक्सप्लेन हाउ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिवास्टेशन का्जड बाई द हेल स्टॉम रिफ्लेक्ट द सेडनेस विद इन लेंचो इन ए लेटर टू गार्ड तो देखिए इसमें हमको बताना है कि किस प्रकार से जो भयावह तबाही ओला पड़ने के कारण आया हुआ था लेंचो के खेत में उससे लंचो जो है ना काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया था उसको हमको यहाँ पे बताना है ये लिया गया है लेटर टू गार्ड से रिफर टू द गिवन लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट टेक्स्ट से जो लाइंस लिए गए हैं ना इसके अनुसार देखिए लाइंस हैं नाट अ लिप रिमेन ऑन द ट्रीज एक भी पत्ता जो है ना पेड़ पर पे बचा हुआ नहीं था द कान वाज टोटली डिस्ट्रॉयड और जो कान का फसल था वो बिल्कुल बर्बाद हो गया था द फ्लावर्स वेयर गान फ्राम द प्लांट्स और जो प्लांट्स हैं उससे जो फूल थे वो बिल्कुल चले गए थे लेंचो सोल वाज फेल्ड विथ सैडनेस और लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी देखिए यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं जैसे कि नॉट ओनली प्रीमेंड ऑन द ट्रीज द कान वाज टोटली डिस्ट्रॉयड द फ्लावर्स वेअर गान फ्राम द प्लांट्स ये सब जो सेंटेंसेस हैं ना वो लेंचो के ऊपर होने वाले प्रभाव को दिखा रहे हैं ये जो कान का फसल था लंचों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसके जीवन का एकमात्र जरिया था उसके तबाही के कारण उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा खालीपन आ गया था और वो काफ़ी ज़्यादा असंतोष हो गया था और बेताब हो गया था इस प्रकार का जो इंटीनेस था और डिसलोशन था वो दिखाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार के पावरफुल वर्ड्स का और सेंटेंसेस का यूज किया गया है ताकि लंचोस के जो इनर स्टेट ऑफ माइंड है उसको बताया जा सके कि किस प्रकार का वो निराश और असंतोष की भावना को महसूस कर रहा था अब देखिए इस कैंसर को हम लोग कैसे लिखेंगे द हेल स्टाम्स डिवास्टेशन सिम्बोलाइजेज लेंचो सेडनेस विद नो लीव्स एंड ट्रीज एंड फ्लावर्स गान फ्राम प्लांट्स दिस रिफ्लेक्स हिज डिसअपेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट स्पेशली रिगार्डिंग हिज लाइवलीहुड आप गान द लैंडस्केप्स इमटिनेस एंड सर्व एज अ पावरफुल मेटाफॉर इनर स्टेट इम्फेसाइजिंग हीज disappointment एंड hopelessness. होपलेसनेस तो देखिए उसी को हमने यहाँ पेंसर में काफ़ी अच्छे से जमा के लिखा है तो इसका प्रैक्टिस आपको बार बार करना है नहीं तो इस टाइप का आंसर आप नहीं लिख पाएंगे इसमें क्वेश्चन नंबर फोर है किटी वॉज अ ट्रस्टेड फ्रेंड टू एनी एलिब्रेट फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रेंक तो देखिए एन ए फ्रेंक के डायरी से इसको लिया गया है कि एने की जो सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र सहेली थी वो किटी थी और किटी एक डायरी थी ठीक है डायरी होने के कारण इन्हें जो है ना खुल के उसमें कुछ भी लिख सकती थी उसको वहाँ पे सिक्योरिटी था प्राइवेसी था अगर इंसान होती तो उसको बात पता चल जाता चूंकि डायरी थी तो डायरी में लिखने से उसको इस प्रकार का को कोई खतरा नहीं था और जो वहाँ पर आइसोलेशन को फील कर रही थी जो वहाँ पर कैप्टिजियम में वो रहती थी उससे बचने के लिए उसने डायरी को अपना फ्रेंड बना लिया था और डायरी को फ्रेंड बनाने के कारण वो उसमें कुछ भी लिख सकती थी जिसके कारण उसके मन में एक प्रकार का जो खालीपन था वो नहीं आता था और अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को बहुत ही फ्री होके बिना रिजेक्शन के डर से वो वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकती थी अब देखिए इसके आंसर को हम लोग कैसे लिखेंगे किटी एन ए ट्रस्टेड फ्रेंड प्रोवाइडेड हर विद अ सेप स्पेस टू एक्सप्रेस हर थाट्स एंड फीलिंग्स सर्विंग एज अ थेरेपी फॉर लोनलीनेस एंड आइसोलेशन आल दो इट कुड रिस्पॉन्ड राइटिंग एंड personifying पर्सनिफाइंग द डायरी गेव एन ए कम्फर्ट कंपेनियनशिप एंड अ सेंस ऑफ प्राइवेसी अलाउिंग हर टू प्रोसेस इमोशंस विदाउट फियर ऑफ जजमेंट देखिए किटी जो थी वो एन की के ट्रस्टेड फ्रेंड थी जिसने उसको एक बहुत ही सुरक्षित जरिया प्रदान किया हुआ था अपने विचारों को और भावनाओं को व्यक्त करने का एक प्रकार से इलाज थी कि जो लोनीनेस और आइसोलेशन वहाँ पे वो महसूस करती थी चूंकि ये रिस्पॉन्ड नहीं करती थी जिसके कारण इसमें लिखना और डायरी को पर्सनिफाई करना इन्हें के लिए बहुत ज़्यादा कम्फर्ट था और एक कंपनियनशिप की भावना और सेंस ऑफ प्राइवेसी उसको वहाँ पर मिल रहा था जिसके कारण बिना जजमेंट ऑफ फेयर के वो अपनी भावनाओं को वहाँ पे लिख सकती थी व्यक्त कर सकती थी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हाउ डज ओडेनास द टेल ऑफ कस्टर्ड द डेगन चिलेंज द अनुसन दैट इंडिविजुअल सूट कन्फर्म टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस देखिए इसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार से ओडेन नास ने द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रेगन में जो परंपरागत सोच है सामाजिक आशाओं का उसको यहाँ पे चैलेंज किया हुआ है तो देखिए सबसे पहले उसने चैलेंज किया है बिलिंडा के करेक्टर के रूप में बिलिंडा एक लड़की है लेकिन यहाँ पे उसको अपूल ऑफ बियर्स के माध्यम से जो ओडेन नास है उन्होंने मेस्कुलाइन दिखाने का कोशिश किया है साथ ही साथ जो इंग बिलिंग और मस्टर्ड हैं उसको यहाँ पे फियरलेस दिखाने का कोशिश किया गया है ये बताया गया है कि वो जो हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बहादुर दिखाते हैं केवल दिखाने के लिए ना एक्चुअल में तो सबसे ज़्यादा बहादुर होता है जो हमारा कस्टर्ड है ड्रैगन है वो लेकिन कस्टर्ड द ड्रैगन जो है ना अपने आप को कमज़ोर दिखाते रहता है हमेशा वो एक सेफ केज की तलाश में रहता है देखिए जब पायरेट आता है तो जो असली लड़ाई लड़ता है वो जो है ना कस्टर्ड जो अपने आप को कावड़ बताते रहता है वही लड़ता है जबकि उस समय विलिंडा और इंग ब्लिंग और मस्टर्ड जो है ना वो वहाँ से भाग जाते हैं तो इस प्रकार से ओडन नास ने यहाँ पे बताया है कि जो दिखता है वो होता नहीं है मतलब जो लोग बहादुरी दिखाते हैं वो लोग सही समय पे भाग जाते हैं और जो लोग हमको कमज़ोर लगते हैं वो सही समय में हमारे काम आते हैं अब देखिए इस कैंसर को हम लोग कैसे लिखें बाई सोइंग बलिंडा इज ए स्ट्रांग इंडिपेंडेंट फीमेल करेक्टर एंड इंग ब्लिंग एंड मस्टर्ड इज वीकर लेस डेयरिंग मेल करेक्टर्स नास टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रेगन सब वर्ड्स कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशंस तो यहाँ पे देखिए जो मेल करेक्टर्स हैं इंग बिलिंग और मस्टर्ड उसको नास ने बलिंडा जो कि एक फीमेल है उससे कमजोर दिखाया है इस प्रकार से उन्होंने जो परंपरागत विचारधाराएं हैं उसको चुनौती दिया है कावर्ट कस्टर्ड स्टेंट्स अप फॉर बलिंडा एंड हर फैमिली एडवोकेटिंग दैट इच पर्सन हैज स्पेशल एबिलिटी एंड शूड फॉलो देअर पेशेंस एट देयर ओन स्पीड तो यहाँ पे जो कावर्ड कस्टर्ड है ना वही वलिंडा उसके परिवार को बचाता है जिससे हमको पता चलता है कि हर आदमी में स्पेशल एबिलिटीज होते हैं और उसको बहुत ही धैर्यपूर्वक अपने स्पीड से उसको फॉलो करना चाहिए क्वेश्चन नंबर नाइन में थ्री क्वेश्चन हैं जिसमें से टू कैंसर्स को हमको देना है वर्ल्ड लिमिट फोर्टी से फिफ्टी का है इसमें दो क्वेश्चन को सही सालो करने पर सिक्स मार्क्स मिलेगा इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी इज अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंग नो एक्सप्लेन ये जो स्टोरी हमने अच्छे से समझा है और पढ़ा है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी एक अच्छा एग्जाम्पल है नहीं कहने के महत्व को बताने का इसको हमको एक्सप्लन करना है तो देखिए इसमें जो मिसेज पंफरे होती हैं अपने प्यार के कारण अपने कुत्ते को खिलाते रहती हैं टिकी को जिसके कारण टिकी जो है ना वो सॉसेज की तरह फूल जाता है बहुत ज़्यादा ओवरवेट और अनहेल्दी हो जाता है और जो डॉक्टर हेरियट्स हैं उसके एडवाइस को इग्नोर करते हुए टिक्की के डाइट पे और एक्सरसाइज को मिसेज पंपरे जो है ना ध्यान नहीं देती हैं वो नो नहीं कह पाती हैं जिस कारण टिक्की जो है ना बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया था तो ये जो स्टोरी है ना हमको बताता है कि सबसे अच्छा तरीका है कि हम नो कहें ताकि जो खतरा है उससे हम बच सकें अब देखिए इस कैंसर को वर्ड लिमिट में हम लोग कैसे लिखेंगे The story highlights the importance of saying no when making decisions that affect others' health and well-being. ये जो story है ना highlight करता है नहीं कहने के महत्व को जब हम decision लेते हैं जिससे दूसरों का जो health है और well-being है प्रभावित होता है। Message pumprey's indulgence in her dog Tricky leads to his obesity and unhealthy habits. Message pumprey का जो आसक्ति था अपने कुत्ते ट्रिकी को लेकर उसी के कारण से टिकी जो है ना मोटापे का और अनहेल्दी हैबिट्स का शिकार हो गया था डिस्पाइट हेरियर्स एडवाइस मिसेज पम्फरे फेल्स टू एपस्टेन फ्राम ओवर फिटिंग काजिंग टिकीज इलनेस डॉक्टर हेरियट ने पहले से बता दिया था मिसेज पम्फरे को कि आपको टिकी को ज़्यादा नहीं खिलाना है लेकिन वो उसको ना नहीं बोल पाती थी जिसके कारण टिकी जो है ना गंभीर रूप से बीमार हो गया था इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हाउ डज़ एजुकेशन प्ले अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन भोलीस लाइफ भोली से लिया गया क्वेश्चन है कि किस प्रकार से जो एजुकेशन है उसने भोली के जीवन को बदल दिया तो देखिए एजुकेशन के कारण भोली के अंदर में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ जिसके कारण वो चुनौती दे पाई ये जो पेट्रोकल सोसाइटी है उसको एजुकेशन के कारण ही वो अपने पैर पर पे खड़े होने का संकल्प ले पाई और उसने एक ऐसे शादी से मना कर दिया जो गलत हो रहा था केवल और केवल इसलिए वो शादी हो रहा था ताकि उसको उसके घर से निकाला जा सके तो एजुकेशन ने उसके अंदर में जो जेंडर इक्वलिटी है उससे लड़ने का ताकत पैदा किया और इस प्रकार से पूरे पूरे कम्युनिटी या समाज के लिए वो एक आदर्श बन पाई अब देखिए इस कैंसर को हम लोग कैसे लिखेंगे बोली से एजुकेशन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हर लाइफ बाई बूस्टिंग हर सेल्फ स्टीम इनेबलिंग हर टू चैलेंज सोशियल नाम्स ब्रेकिंग फ्री from पैक्टिकल चेंज एंड resisting ऑपरेशन she becomes an agent ऑफ चेंज इन हर कम्युनिटी embodying the transformative पावर of नॉलेज इन चैलेंजिंग एंड चेंजिंग social नाम्स तो देखिए जो भोली का एजुकेशन है ना उसने काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला उसके जीवन को क्योंकि उसका सेल्फ स्टीम जो अंदर का कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा जिस कारण वो परंपरागत और जो सामाजिक परंपराएं थीं उनको चैलेंज कर पाई जो परम्परागत पित्रात्मक सत्ता है उसको तोड़ पाई उसने जो उसके ऊपर दबाव था उसका विरोध किया जिसके कारण वो पूरे समाज में एक परिवर्तन का वाहक बन पाई और इन सब का रीजन था कि उसके अंदर में अब एजुकेशन और नॉलेज आ चुका था जिसने उसको ताकत दिया चैलेंज करने का जो सामाजिक परंपराएं हैं उन सब का इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है द वेरियस एलिमेंट्स अपराबर्ट आथर्स राइटिंग स्टाइल वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ टेंशन, अनसर्टेनिटी एंड सस्पेंस वेल सुटेड टू द मिस्ट्री एंड सस्पेंस जनर ऑफ द स्टोरी द मिड नाइट विजिटर कमेंट विद रिफ्रेंस टू एनी वन एलिमेंट तो देखिए जो बहुत सारे एलिमेंट यूज किए हुए हैं रॉबर्ट आर्थर्स ने अपने राइटिंग स्टाइल में उससे सेंस ऑफ टेंसन अनसर्टेनिटी और सस्पेंस पैदा होता है जो कि ये जो मिस्ट्री राइटिंग किए हुए हैं और जो सस्पेंस जेनर है अपनी स्टोरी में जो कि है मिड विजिटर इसके लिए बहुत ज़्यादा सूट करता है तो इनमें से एक को लेकर हमको यहाँ पे कमेंट करना है फोर्टी से फिफ्टी वर्ड्स के लिमिट में तो देखिए जो रॉबर्ट आथर्स हैं ना वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं जिससे टेंशन पैदा होता है और इसको बहुत ही स्किलफुली करते हैं ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना काफ़ी पंची सेंटेंसेस होते हैं जो कि अर्जेंसी और फीलिंग्स को योग करते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है अनप्रिडिक्टेबल नेचर होता है इन सेंटेंसेस का जिससे मोमेंटम बिल्ड होता है और जो रीडर है ना हमेशा वो एंगेज रहते हैं इनका जो डायलाग है कन्वर्सेशन का खासकर असेबल और मैक्स के बीच में वो आधा सत्य और मिस्टिफिकेशन से भरा हुआ होता है जिसके कारण एक सेंस ऑफ इम्बिग्यूटी पैदा होता है जो कि स्टोरी के सेंस ऑफ मिस्ट्री को हाईलाइट करता है यहाँ पे रीडर जो है ना हमेशा वंडर करते रहता है कि जो मेक्स का ट्रूथ है वो कैसा है उसका इंटेंशन कैसा है जिससे एक अनसर्टेनिटी और टेंशन पूरा स्टोरी में बना रहता है ये बहुत अच्छे से इस, इस स्टोरी के पेस को और प्लाट को डेवलप करते हैं जिसके कारण एक सेंस ऑफ सस्पेंस जो है ना बना रहता है और जो रीडर है वो इसमें बंधा रहता है लास्ट तक क्योंकि लास्ट तक रीडर को गेस करना पड़ता है कि इसका इंड जो है ना वो क्या होगा अब देखिए इन्हीं सब को इस कैंसर में हम लोग को कैसे लिखना है द आथर यूजेज राइटिंग स्टाइल टू क्रिएट टेंशन अनसर्टिनिटी एंड सस्पेंस इन अ मिस्ट्री एंड सस्पेंस जेनर तो देखिए जो राथर है ना यहाँ पे जो राइटिंग स्टाइल को यूज कर रहे हैं उनका उद्देश्य है टेंशन को क्रिएट करना अनसर्टिनिटी को बढ़ाना और एक प्रकार का सस्पेंस इन अस्ट्री और सस्पेंस जेनर को पैदा करना साठ पंची सेंटेंसेज बिल्ड अ मोमेंटम वे डायलाग बिटवीन आसेबल एंड मैक्स क्रिएट्स इन एंड मिस्ट्री छोटे छोटे जो पंची सेंटेंसेज होते हैं मोमेंटम को बनाते हैं और जो डलाक है आशेबल और मैक्स के बीच का वो एक प्रकार के रहस्य को पैदा करता है पेसिंग एंड प्लाट डेवलपमेंट बिल्ड टेंशन ग्रेजुअली रिवुलिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड प्लास्ट ट्विस्ट टू कीप द रीडर गेसिंग एंड आन एज यहाँ पर देखिए जो पेसिंग और प्लाट डेवलपमेंट है उससे टेंशन पैदा होता है जिस कारण जो रीडर है ना वो हमेशा नए नए इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहता है और लास्ट तक वो गेस करते रहता है कि क्या ट्विस्ट आएगा और इसका इन कैसा होगा